स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्ती होगी। तो यहां पे बात करें तो 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि क्या कितनी पद होंगी और कौन कौन सा पद होने वाली है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी ग्रुप डी पद पर होगी भर्ती, जिसमें से बात करें तो 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। तो इसकी क्या यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं। बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो कि SSC अपने सभी कैलेंडर 2022 के 73,333 युवाओं को नौकरी देगी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी ग्रुप डी के पद पर यहां पे आयोग के केंद्र मंत्रालयों में विभिन्न ये आपका विभागों में रिक्तियों का जो यहां पे ब्यौरा जो है प्राप्त किए हैं, जिसमें से उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कि मुताबिक सर्वाधिक 28,825 पद जो है गृह मंत्रालय के अधिक विभिन्न विभागों में होगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में 75,550 जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,550 पद पर यहाँ पे भर्ती होगी। हालांकि पद की संख्या घट बढ़ सकती है, कर्मचारी लोक शिकायत ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन मंत्रालय के अंडर जो है सिक्योरिटी गौतम कुमार की ओर से ये आपका SSC के अध्यक्ष और सभी मंत्रालय में 30 सितंबर को भेजे गए हैं पत्र में 73,333 पद पर ये आपका मिशन जो है रखी गई है। बात करें यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि आयोग 2022 के कैलेंडर की अधिकतर जो है भर्तियों में विज्ञापन जारी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ये आपका 2022 भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से जो है आवेदन शुरू हो जाएगी। कांस्टेबल हायर ये आपका सिक्योरिटी लेवल एग्ज़ाम जो है 2022 के लिए 5 नवंबर और ये आपका दिए गए हैं, जिसमें से सेल्टल और ये आपका आर्म पुलिस फंड के कांस्टेबल GD और आसार जो है यहाँ पे दिए गए हैं 2022, जिसमें से 10 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे सर्वाधिक जो है फॉर्म भरने वाला राज्य की अगर बात करें तो SSC की नौकरी को UP और बिहार के युवक में जो है यहाँ पे होड़ लगी हुई है। जिसमें से अगर बात करें तो देख पा रहे हैं कि ये आपका MTS भर्ती 21 में जो है 35% जो है आवेदन हिंदी ये आपका पठित है के माध्यम से ये आपका दिए गए हैं, जिसमें से माध्यम क्षेत्र के अंतर्गत आते दो राज्य हैं। तो कितने कैंडिडेट हैं इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के युवक में सरकारी नौकरी की सर्वाधिक होड़ रहती है। और बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बात जब केंद्र सरकार की नौकरी की हो तो उसके बीच में जो है यहाँ पे जुनूनी से ये आपका बदल जाती है। यदि यही कारण है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी ग्रुप डी के भर्ती के बाद कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की भर्ती के सर्वाधिक जो है आवेदन UP और बिहार से होते हैं। प्रयागराज स्थित SSC के माध्यम से क्षेत्र ये आपका कार्यालय के माध्यम में इन दोनों राज्यों में चयन आयोग द्वारा सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत है इसके बारे में भी अगर बात करें तो ये आपका SSC की सबसे अधिक यहाँ पे भर्ती में अगर बात करें एक मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS 2021 भर्ती में देश से लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे 39,33,199 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। खास बात यह था कि
13,79,957 जो अभ्यर्थी जो है लगभग 35% जो है यूपी और बिहार के थे। तो ये जो है बहुत बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी और बिहार के कैंडिडेट के लिए ये आपका होड़ लगी रहती है। इसी प्रकार अगर बात करें कांस्टेबल की तो यहाँ 2021 की तो लगभग 74,579 आवेदन में से लगभग 23,29,591 आवेदन जो है यहाँ पे लगभग 32.47% जो है एक तिहाई आवेदन यूपी बिहार से थे। एमटीएस और कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होती है। यही नई दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल 2022 भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो जाएगी। आवेदन जो है परीक्षा में कुल जो है लगभग 23,58,535 में से 6,47,882 27.47% हिंदी पटने से ये दोनों राज्य से अभी तक यहाँ पे भरा गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे यूपी और बिहार की तो सबसे ज़्यादा जो है केंद्र की जितनी भर्ती निकलती है तो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। इस तरह के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।